नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। अगर कोई पूछे कि वो बिना कोई और इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई और एफर्ट्स के, बिना एडवर्टाइजमेंट बजट बढ़ाने के, बिना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के, बिना एक्स्ट्रा ओवरटाइम करने पे क्या वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है, पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता है, रिस्पेक्ट बढ़ा सकता है, तो मेरा वन वर्ड में आंसर होगा यस। अगर वो नम्र हो जाता है, हम्बल हो जाता है, यानी उसमें नम्रता आ जाती है, ह्यूमिलिटी आ जाती है। ये वीडियो इसी पर्सनैलिटी ट्रेट को एक्सप्लेन करेगा। ये ह्यूमिलिटी क्या है, कैसे हम्बल बना जा सकता है और इसके फायदे क्या है। नम्रता सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक बेस्ट जायदाद है। मैंने अपनी वीडियोस में कोई 650 के करीब पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिस्कस किए हैं एंड नम्रता को, ह्यूमिलिटी को मैं टॉप 10 सक्सेस इंग्रेडिएंट्स में रखना चाहूंगा, आत्मविश्वास के बराबर। मेरी पिछली वीडियो आत्मविश्वास क्यों और कैसे में आत्मविश्वास को मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, और इसी तरह ह्यूमिलिटी को, नम्रता को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना सही, लेकिन उसके बराबर, उसके इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली जरूरी जरूर कहूंगा। जिंदगी में फेलियर्स, लॉसेस, फ्रस्ट्रेशंस आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल पाती अगर आप नम्र हो। ये अकड़, ये अभिमान, ये ईगो, ये एरोगेंस आपको फेलियर्स में ज्यादा नुकसान देती है। नम्रता है अपने आप को दूसरों से ऊंचा ना समझना, दूसरों से बेहतर ना समझना। यहां आपका माथा ठनकेगा क्योंकि आप जल्दी से ओपिनियन तैयार कर लेते हैं, खासकर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो। बेहतर बनना एंड बेहतर समझना फर्क है। आप बड़े इंसान बनते जाते हो, सक्सेसफुल बनते जाते हो, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका रिलेशनशिप, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स योर रिलेटिव्स एंड टुवर्ड्स जनरल पीपल सही रहता है, उनको तुच्छ प्राणी समझने की जगह अपने बराबर समझते हो, यही नम्रता है। एक बार एक कामयाब अमीर व्यक्ति एक संत के पास गया। गुरुदेव, मैं नम्र बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? तो संत बोले, तुझे अपने से छोटे इंसान को रोटी खिलानी होगी। वो अमीर व्यक्ति उसी समय बाहर गया और कितने ही लोगों को रोटी खिला के वापस आ गया, और आके संत से बोलता है, मैंने अपने से छोटे इंसानों को रोटी खिलाई है, क्या आप मुझे नम्र मानोगे? तो संत बोले, अभी नहीं, दोबारा जा, अपने से छोटे इंसानों को फिर रोटी खिला गया। वो फिर गया, फिर लोगों को रोटी खिलाई, फिर वापस आया और संत से पूछने लगा कि मैंने और अपने से छोटे इंसानों को रोटी खिलाई है, अब तो आप मुझे नम्र मानोगे? तो संत ने कहा, अभी भी नहीं, फिर जा और छोटे इंसानों को रोटी खिला, फिर वापस आ। और इस तरह से वो कई बार गया, कई बार वापस आया, कई बार गया, कई बार वापस आया, पर संत ने उसे नम्र मानने से इनकार कर दिया। एक दिन उसकी पेशेंस टूट गई। संत जी के पास गया, गुरुदेव, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब आप मुझे नम्र मानोगे? तो संत बोले, जिस दिन तुझे कोई भी इंसान अपने से छोटा नजर नहीं आएगा। मैं समझता हूं यहां पर वो संत जी ने नम्रता को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में दो बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि नम्रता के फायदे क्या है और नम्रता की प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है। वैसे एक बात तो पक्की है, आप में नम्रता का अंश है, कितना है अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन है जरूर, क्योंकि अगर आप में नम्रता ना होती, थोड़ी सी भी नम्रता ना होती, तो आप मेरी ये वीडियो ना देख रहे होते। नम्रता का सीधा फायदा, आप जितना ज्यादा झुकते हैं आपका स्टेचर उतना ऊंचा हो जाता है। स्टेचर यानी आपका कद, दूसरों की नजरों में आपकी इज्जत। तो आइए हम अपना अपना टेस्ट लेते हैं कि हमारे में नम्रता है कि नहीं। आप नम्र हो अगर आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो,
किसी को जबरदस्ती हराने की जगह बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हो, आप दूसरों से सलाह मशवरा करके उसके बाद डिसीजन लेते हो, आप ड्राइविंग करते समय दूसरे ड्राइवर्स के राइट्स पर कब्जा नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप लो बीम पे गाड़ी चलाते हो सो दैट दूसरे ड्राइवर्स की आंखें ना चुंधियाए और आपको रास्ता भी मिल जाए। जब दूसरे लोग आपकी अचीवमेंट्स को बार बार डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आप सोचते हो कि आपके पड़ोसियों के पास आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, अगर आपको लगता है कि क्या जरूरत है कि दूसरे आपकी महानता को पहचाने, अगर आप किसी गेट टुगेदर में ज्यादा लाइमलाइट पसंद नहीं करते हो, अगर आप पोजीशन को नहीं इंसान को हेलो करते हो, अगर आप बस ट्रेन या एरोप्लेन से उतरते समय अटेंडेंट्स या फिर क्रू को थैंक्स करके उतरते हो, ये पॉइंट्स जस्ट इंडिकेशन थे ताकि आपको और बेहतर बनने के आइडियाज मिल सकें। अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पर हैं तो हर अचीवमेंट का क्रेडिट अपने से नीचे वालों को दीजिए, आपकी पोजीशन और बड़ी हो जाएगी। एग्जांपल, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, सभी अचीवमेंट्स का क्रेडिट अपने जूनियर्स को दे दो, आपका स्टैचर बढ़ जाएगा। कहते हैं कि अगर आपको कोई मेडल मिला, कोई अवार्ड मिला, तो उसको अपनी टीम में बांट दो, आपको और मिल जाएंगे, यानी आपकी टीम मोटिवेटेड रहेगी और आपके लिए और काम करती रहेगी। कई बार आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो अपनी स्ट्रेंथ को बताने के लिए, अपनी अचीवमेंट को बताने के लिए, वो कुछ जानते हैं कि बताने के लिए बार बार बहाने ढूंढते हैं। एग्जांपल, कल ना मेरे घर एक सांप आ गया, मेरे घर में घुसते ही वो टीवी पे बैठ गया, क्या बताऊं 70,000 में टीवी लिया था, फुल एचडी, पूरी सोसाइटी में किसी के पास वो टीवी नहीं है। मैडम, उस सांप का क्या हुआ? वो सांप टीवी से उतरा और सोफे पे बैठ गया। सोफा इटली से डायरेक्ट इंपोर्ट किया है, शॉर्ट सप्लाई में था, डॉलर्स में पे किया है, इंडियन करेंसी में 2,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन मैडम, उस सांप का क्या हुआ? सांप सोफे से उतरा और बाहर चला गया। था तो ये जोक, लेकिन हमारे में से अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। यानी अगर हम्बल बनना चाहते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखाओ, ऐसा नहीं बोलो जिसमें आपकी ईगो दिखाई दे, आपकी एरोगेंस दिखाई दे, शो ऑफ दिखाई दे, नजाकत दिखाई दे। मेरे एक जान पहचान वाले थे, यहां पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनकी तरफ से मनाही है। मैं अक्सर उनके पास जाता, दुकान करते थे, मैं आता जाता उनकी दुकान पे, उनके साथ बैठ जाता, हम गप्पे हांकते, चाय वाय पीते, फिल्मों की बातें करते वगैरह वगैरह। हमारी फैमिली एक बार एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गई तो मुझे किसी ने बताया कि पास की सोसाइटी में एक संत, एक बाबा जी रहते हैं, उनसे मिलो। मैंने कहा, जानता हूं सभी बाबियों को, सब दुकानदारी है, पैसे कमाने का धंधा। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये बाबा जी पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि अगर कोई ले भी आए तो नाराज हो जाते हैं। मुझे एकदम विश्वास आ गया, आए जाना था। मैं फैमिली के साथ उन बाबा जी के ठिकाने पे चला गया। कमरा बंद था, बाहर बहुत भीड़ थी, बहुत संगत थी और दरवाजे के पास सेवादार बैठे थे। हल्का सा दरवाजा खुला तो उन बाबा जी ने अपने एक सेवक को बोला कि सामने जो सरदार जी हैं लाल पगड़ी में, यानी मेरे बारे में, उनको अंदर भेज दो। उन्होंने मुझे देख लिया होगा लेकिन मैंने उनको नहीं देखा था। सभी लोग कहने लगे, सरदार जी आपकी तो किस्मत खुल गई, क्योंकि जिसको बाबा जी खुद अंदर बुला लेते हैं वो भाग्यशाली होता है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैं हैरान, वो बाबा जी कोई और नहीं थे, वही दुकानदार, वही मेरे जान पहचान वाले जिनके साथ मैं अक्सर बैठता था, जिनकी बात मैंने अभी आपको सुनाई है। मैं एकदम हैरान परेशान, बाबा जी आप? वो हैं तो उम्र में मेरे से छोटे, लेकिन बोले, बेटा पहचाना मुझे? तो मैंने कहा, मैं कब से आपके पास बैठता हूँ, आपके पास आता हूँ,
चाय पीता हूँ, इधर उधर की हांकता हूँ। आपने इतनी बड़ी बात मुझे कभी बताई नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, एक संत हो। सैकड़ों लोग आपकी गद्दी पे माथा टेकने आते हैं, सिर झुकाते हैं, कहने लगे, बेटा तेरी किस्मत में नहीं था। वाह, इसे कहते हैं हम्बल इंसान, ह्यूमिलिटी, नम्रता। मेरे जैसे कि एक दो वीडियोस अच्छी चलनी शुरू हो जाए तो पूरे सोशल मीडिया में हम हंगामा कर देते हैं, और एक व्यक्ति जिसके आगे सैकड़ों लोग झुकते हैं और अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई जरूरत नहीं ढिंढोरा पीटने की कि आप कौन हो, क्या हो। अमीर व्यक्ति की अमीरी नजर आ ही जाती है, उसे कभी बताना नहीं पड़ता कि वो अमीर है, और अगर बताना पड़े तो मतलब वो अमीर नहीं है। एक पावरफुल बंदे की पावर, उसकी शक्ति नजर आ जाती है, उसे कभी बताना नहीं पड़ता कि वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, और अगर बताना पड़े तो इसका मतलब वो पावरफुल नहीं है। जस्ट ओरिजिनल रहो, हम्बल रहो, बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करो। नम्र व्यक्ति अगर दान भी करते हैं तो गुप्त दान। अगर दान दिया और उसका प्रचार भी किया तो दान तो दे ही दिया, लेकिन हम्बलनेस खत्म, ह्यूमिलिटी खत्म। यही बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो अपने किए को जताने लगा वो अपने किए को मिटाने लगा। चैरिटी करते, दान करते कि पिक्स फेसबुक पे शेयर नहीं करो, व्हाट्सएप पे नहीं भेजो, ट्वीट ना करो, आप एरोगेंट दिखाई देते हो, शो ऑफ दिखाई देता है, एगोइस्टिक दिखाई देते हो। अपनी टांग ऊपर रखना, इसका मतलब समझते हो ना, यानी कोई कुछ भी बोले आप एक स्टेप ज्यादा बता देते हो। से किसी ने आपको कहा कि उसने क्रिकेट के मैच की टिकट्स मैनेज कर ली हैं, कल चलेंगे, लेकिन आप उसी समय बीच में बोल देते हो कि ऐसे मैच तो आप अक्सर देखते रहते हो, यानी अपनी टांग हमेशा ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, आप दूसरों से ज्यादा जानते हो, ज्यादा इन्फॉर्म हो, ज्यादा घूमते हो, लेकिन अगर वो सुना रहा है तो सुन लो, अपनी टांग ऊपर रख के कोई मेडल मिलने वाला नहीं है, रादर आपकी ह्यूमिलिटी चली जाएगी। मैंने इस वीडियो में कुछ शेयर करने की कोशिश की है, ह्यूमिलिटी क्या, कब, कहां, क्यों, किसके साथ और कैसे। पूरी वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया नवाजिश। आप हो तो मेरी वीडियोस हैं, मुझे आशीर्वाद देना, मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूं। मैं तो केवल एक जूता पॉलिश करने वाला हूं, मेरा जूता ना चेक करना, अपना जूता चमकवा लेना। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।